अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। माशाल्लाह से आज है छठा रमजान और शहबाज भी बहुत बिजी है माशाल्लाह से। इतना काम करते हैं टू मच, तो उनके पास टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का। समझ सकते हो टू मच के मतलब कि कितना काम करते हैं। आगे मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए तो आज स्टार्ट करेंगे। ये ब्राजील की मोस्ट फेमस डिश है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो अभी तो इसका बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब लोग लेंगे तो देख रहे हैं कैमल राइस, ठीक है, खपसा बोलते हैं यहाँ पे भाई। अपने पाकिस्तान में तो बिरयानी बोलते हैं, ले आओ मस्त मोल दे मिठे चौल, समझे। ये है अरबिक पास्ता बोलेंगे हम लोग, तो पास्ता ही बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये है आज, ये जो ऐसे नॉर्मल हमारी हर रोज की तरह जो साइड डिशेज होती है वो है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह हर रोज, ठीक है। ये लैम कोफ्ता है, ठीक है, पाकिस्तानी तो बहुत पसंद करते हैं भाई लैम कोफ्ता। आलातूर मिलेगा तो पूरा खत्म कर देंगे जैसे शादी में आए। अच्छा, इसके बाद है ये सी फूड, ठीक है। अच्छा भाई, माशाल्लाह से ये जो केकड़े है ना, रात को ही हमने पकड़े हैं बाहर से। देखोगे मैं खुद देख रहा था, बंदा पकड़ रहा था केकड़े, ये वही वाला केकड़ा डाल दिया हमने उठा के। अच्छा, ये सौते वेजी है, ठीक है यार। अभी अपन तो है नहीं, वो इंडियन के वेजी खाएंगे, अपन को गोश्त खाने का है, आ जाओ। इसके बाद ये रोज की तरह है जो सैलेट वगैरह आप देख सकते हैं, कल भी मैंने आप लोग को दिखाया था माशाल्लाह से सैलेट, ये सारा फ्रेश आता है माशाल्लाह से, देख सकते हैं यार। अगर आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत इंजॉय करने का मौका मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, समझ रहे हो। तो माशाल्लाह से ये सारे सैलेट है। इसके बाद हम सूफ की तरफ आएंगे, ठीक है। सलाद के बारे में आप कुछ बताइए, सी फूड सलाद के बारे में। उसके बाद है ये हमारा क्या बोलते हैं, क्रीम श्रिम्प सूप है, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप वो भी देख सकते हैं, ये आप अगर खाएंगे ना तो फिर आपको पता है कि रात को बहुत मसला हो जाने वाला है। तो माशाल्लाह से आप ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपको मजा बहुत आएगा, बेफिक्र रहे। इसके बाद है ये यार, ये तो मैं इतना पानी है जैसे समझ लो दाल है, दाल देखिए, दाल दाल का सूप। असल में कुछ लोग आते हैं जिनको दाल चावल बहुत पसंद होते हैं, तो उनके लिए रखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह से ये आप सुशी देख सकते हो, ठीक है, सुशी है हमारे पास। उसके अलावा मोर देन अरबिक सैलेट है, ठीक है। उसके अलावा आगे भी माशाल्लाह सैलेड है। तो यार आप लोग विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा बरासा के मेन्यू का, मोर देन हमारे पास विजन है, ठीक है। हम लोग डे बाय डे चेंज करते हैं, तो आप लोग को ट्राई करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, और ये माशाल्लाह से सारी शेफ साहब ने अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ है, ठीक है, माशाल्लाह से। तो वो टू मच अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप लोग लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो माशाल्लाह उनका विजन है वो जो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा ब्लॉग को फनी भी कर रहे हैं कि आपको थोड़ा एंजॉय भी मिले, अब चुपचाप बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको, ठीक है इंशाल्लाह। इसके बाद शेफ क्या, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको ये बता रहा था ये कुनाफा है भाई। कुनाफे का ये है असल में कि ये अभी सऊदी अरेबिया में रेस्टोरेंट में पड़ा हुआ है, तो ये आपको पूरा दिख रहा है। पर माशाल्लाह से ये अगर पाकिस्तान इंडिया या नेपाल में अगर ये कोई रेस्टोरेंट में रखेंगे तो एक दाना भी आपको नहीं दिखेगा, पूरी पूरी प्लेटें भरी जाएगी और ले जाई जाएगी और खाई जाएगी, समझ रहे हो। तो माशाल्लाह से ये हर बार की तरह जैसे हमारा डिजर्ट होता है, इसको असम्बल किया हुआ है हम लोग ने, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा जो सूफे रेडी होते हैं रमजान के लिए, वो रेडी होने वाले हैं और रेडी हो रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही है माशाल्लाह से, आप देख रहे हैं जी। ये उसका हम लोग खसूसी रमजान में उसका ये अलग से काउंटर बनवाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसमें अभी कुछ चीजें, हाँ सिर्फ ये गावा इसके अंदर रेडी है। अगर आपको जैसे कि हम लोग सर्व करते हैं गावा को, इसके अंदर आप देखेंगे ये अरबिक स्टाइल में इसको सर्व करते हैं गावा को। उसके बाद अभी यहाँ पे समोसे आएंगे, बट वो है नहीं अभी, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं चिकन है, समोसा,
ठीक है, ये रेडी हो चुका है। उसके अलावा ये वेजिटेबल पफ्स, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत फ्रेश है भाई। समोसों को देख सकते हैं बेचारे अभी कैसे मियाँ मियाँ लग रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद बेचारों की हालत बुरी हो जाने वाली है, सबके पेट में जाने वाले हैं। रोज की तरह जैसे कि फुल जो एक दाल है यहाँ की अरबिक, वो रेडी की गई है, ठीक है, वो उसके अंदर है इंशाल्लाह। ये हर रोज की तरह जैसे कि स्वीट चीज बसूसा, ये डिजर्ट एक ये रेडी होता है, ठीक है, उसके अलावा ये भी डिजर्ट आइटम है सारे। अच्छा, ये थोड़े से आपको दिखने में ऐसे लगेंगे कि जैसे कि गुलाब जामुन है, बट ये गुलाब जामुन नहीं है, ठीक है, ये यहाँ की कोई फेमस डिश है, ठीक है, ब्रासा की। तो ये अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आप लोग रिजर्वेशन भी होती है आपकी, जितनी बड़ी भी पार्टी हो आप लोग रिजर्वेशन करवा सकते हैं, 40 people 50 people, और आपको बिल्कुल एक साथ ही टेबल मिलेगा। काफी जगह ऐसा होता है कि अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कर देते हैं, बट हमारे यहाँ पे आपको लॉन्ग टेबल अवेलेबल मिलेंगे, कभी भी आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपको भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की लोकेशन कैसी है, लोग यहाँ दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। मैं आपको बाहर का विजिट करवाता हूँ, आज माशाल्लाह से वेदर भी अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है, आज माशाल्लाह से वेदर भी गाइस बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग ने किस तरीके से तैयार किया। अगर आप चाहें तो आउटसाइड पे भी अपनी बिल्कुल अफ्तारी कर सकते हैं, और हमारे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, हम आपको पूरी प्रोटोकॉल के साथ सर्विस देंगे। तो इंशाल्लाह हम आपको आगे लेके जाते हैं, आगे आपको व्यूज दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से व्यूज कैसा दिखता है, क्योंकि तो आपको और ज्यादा एंजॉय करने का मौका मिलेगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ की लाइटें ऑन हो जाएगी, और लाइटें होने के बाद आपको व्यूज दिखाएंगे कि यहाँ का कैसा व्यूज है, आप पिक्चर्स ले सकते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड सबको लेके आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दूंगा कि यहाँ पे हमारे पास लाइफ प्रोटेक्टर टीवी भी है, एलसीडी में नहीं बोलूंगा क्योंकि ये लाइव प्रोटेक्टर टीवी है, इसका भी एंजॉय कर सकते हैं, और वैसे ही आपको पता है कि फुटबॉल अभी चल रहा है, तो ये लाइव यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, अपनी फैमिली फ्रेंड सबको लेके आइए, और हमें लाइव करें, सब्सक्राइब करें, टंग 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 हमारे घंटे बजाएं कि हम ऊपर तलक जाए और आपके लिए और इससे अच्छी से अच्छी वीडियो लाए। तो आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम बहुत आगे तलक जाएंगे और आपको पूरा एंजॉय करवाएंगे। इसलिए आज के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये व्यू देख सकते हैं, यहाँ से ये व्यू दिखता है आपको, सामने ब्रिज दिखता होगा, ये बहरीन की तरफ जाता है ब्रिज, तो माशाल्लाह से यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, कल इंशाल्लाह वापसी में मिलूंगा आपको, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, टंग 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 टंग, अल्लाह हाफिज़। लगा दिए क्योंकि हमारे पास रिजर्वेशन है माशाल्लाह से 14-15% की, तो माशाल्लाह से मीट हमने पहले से हम लोग ने मैरिनेशन कर देते हैं, उसके बाद हमने आज मीट को मैरिनेशन के बाद रेडी के होने के लिए चारकोल पे लगा दिया। आप देख सकते हैं ये है डियर, माशाल्लाह से आप डियर देख सकते हैं कितनी फ्रेश है, हॉट है, आप देख सकते हैं कितनी जूसी है, अभी ये मीडियम रेयर है, ठीक है, अभी मज़ीद अगर हम आप इसको कुक करेंगे तो ये मीडियम वेल हो जाएगी, उसके बाद वेल डन हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से इसके टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ का ब्राज़ील का मोस्ट फेमस मीट है बीफ पिकानिया, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये मीडियम रेयर है, रेडी। आप देख सकते हैं ब्रादर, ये जैसे के है माशाल्लाह से ब्राज़ीलियन बीफ, बीफ पिकानिया हम इसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये अभी मीडियम रेयर है, ये भी देखे बिल्कुल फ्रेश है, अभी रेडी हो रहा है, ये मीडियम रेयर है। इसके बाद ये जब कुक हो जाएगा तो ये पूरा मीडियम वेल होगा, वेल डन होगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसके भी टेम्परेचर चेंज होते रहेंगे माशाल्लाह से, ठीक है। तो इस तरीके से हम बीफ कुपिन, अरबिक में इसको बोलते हैं दहार बगर, ओके, और इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश में बीफ शोल्डर भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, ये रैपिंग किया हुआ है, जैसे ये कुक हो जाएगा इसको रैप हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी है हमारे पास माशाल्लाह से। उसके अलावा कल भी मैंने आपको बताया था हमारे पास ऑस्ट्रिच है, ये देखे, ये अभी ऑस्ट्रिच माशाल्लाह से
ऑस्ट्रिच को भी लाए थे पीछे माशाल्लाह से, वो उसको कटिंग वटिंग किए, उसके बाद उसका सारा मीट मैरिनेशन करके लगाया माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। अच्छा, सारा फ्रेश होता है हमारे पास, हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं हॉट एंड फ्रेश, बिल्कुल आपको चारकोल, ऐसा चारकोल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे सऊदीया में, तो आप आइए ट्राई करें, ठीक है। उसके अलावा माशाल्लाह ये बीफ टेंडरलॉइन है, ठीक है, ये देखिए ये भी मीडियम रेयर है, देख सकते हैं आप। यार देखने से ही बंदे का दिल करता है कि मैं खा लूं अभी, तो आप देख सकते हो कितना जूसी है माशाल्लाह से। तो अगर आप खा के एंजॉय करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, वीडियो में तो आप ही होगा देख के कि यार कितना जबरदस्त है, तो अगर आप यहाँ आएंगे। अच्छा, और इसके बाद ये देखे, ये मैरिनेशन करके रखी हुई है लैम लैग है माशाल्लाह से, तो इसके बाद इसे कुक करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से सारी कुकिंग होती रहती है, कुक करके हम लोग यहाँ से निकाल के और भी मीट लगाएंगे। तो अच्छा, हमारे यहाँ बुफे का सिस्टम ये है कि आप जितना खा सकते हैं खाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, जितना भी आप खा सकते हैं खाएं। उसके बाद हमारे यहाँ की मोस्ट फेमस है, आप देख सकते हैं ये है अरबिक में आप इसे बोलेंगे अनानास, और इंग्लिश में आप इसको अनानास बोल सकते हैं। ब्राउन शुगर और सिनेमन पाउडर के साथ इसे मैरिनेट किया जाता है, उसके बाद ग्रिल किया जाता है, और माशाल्लाह से ये इतना अच्छा लगता है कि वन पर्सन ये फुल खा जाएगा, इतना ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आप ये एजिस कट किए जाते हैं, ठीक है, फुल नहीं कट किया जाता, एजिस कट करके हम सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह से आप आए, ये हमारा बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट है, जब हम सारा मीट सर्व कर देते हैं लास्ट में हम पाइनएप्पल सर्व करते हैं कस्टमर को, कि उसका थोड़ा सा अच्छा हो जाए टेस्ट। और इसका एक फ़ायदा भी है, मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ज़्यादा कोई चारकोल या आप बारबेक्यू को ज़्यादा अगर ईट कर लेते हैं तो आपके पूरे स्टमक के अंदर ऑयल आ जाता है, ठीक है। ऑयल के बाद जब आप पाइनएप्पल उसे ईट करते हैं तो वो जो आपका पाइनएप्पल है वो सक कर लेता है ऑयल, तो इसके ये बेनिफिट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। बेल आइकन को दबाए, टंग लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, बाय। तो चलिए बाहर में चल के देखते हैं आज कौन से ड्रिंक्स अवेलेबल है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑरेंज फ्लेवर टंग है एंड बिमटो है एंड तमरंदी है, यानी कि इमली का जूस और बिमटो और ऑरेंज फ्लेवर टंग। तो ये बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, क्योंकि जो फास्टिंग वाले होते हैं, रोजा वाले होते हैं, उनको लिए साथ में खाने के लिए, स्नैक्स के साथ में खाने के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक्स है। और चिल गाइस, तो आप भी आइए और इन्जॉय करिएगा। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ में मेरे फेसबुक पेज को शेफ शिवा के नाम से है, तो उसको भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।